नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले कॉन्स्टिपेशन के बारे में। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जब आप स्टूल पास आउट करने जाते हैं तो आपको साफ नहीं लगता है, यानी कि जब आप टट्टी जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो इस बात को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। लेकिन आज का दौर देखते हुए मैं आज आपको एक ऐसी सिंगल रेमेडी बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसके सारे सिम्टम्स क्या क्या लक्षण हैं, तब उस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार की कब्ज के अंदर आपको उसे यूज़ करके आप अपनी कब्जियत में राहत पा सकते हैं। दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल देखते हुए उस मेडिसिन के बारे में आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। आज की हमारी आपाधापी जिंदगी देखते हुए दोस्तों, किसी प्रकार की उठने का, बैठने का, सोने का हमारा कोई रंग ढंग नहीं है। इस प्रकार हम जीवन जीते हैं तो दोस्तों हम कब्जियत के शिकार हो जाते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी सिंगल रेमेडी बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। जिन लोगों को कब्जियत की शिकायत है, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, जिनको स्टूल अच्छे से पास आउट नहीं होता है, दोस्तों हमेशा 24 घंटों के अंदर आदमी को एक बार अच्छे से स्टूल पास आउट होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती है दोस्तों वो कब्जियत से जुड़ी हुई होती है। 24 घंटों के अंदर एक बार पेट साफ करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूँ जो आप हमेशा के लिए आप अपने पेट को नेचुरल वे से आप साफ कर पाएंगे, आपकी कब्जियत को हमेशा के लिए विदा कर पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल बटन है उसको भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हेल्थ संबंधी जानकारी का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूँ जो लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, यानी कि जिस लाइफ के अंदर किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं है, उनके पास सिर्फ ऑफिशियली वर्क है या किसी प्रकार का स्टडी का वर्क है या पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि उनके पास मेंटली वर्क है, फिजिकली एक्टिविटी बहुत ही नहीं के बराबर है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही दोस्तों ये इफेक्टिव मेडिसिन है। जो लोग लंबे समय से अपनी सिटिंग करके कोई काम करते हैं या स्टडी करते हैं या कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। तो दोस्तों, आज की रेमेडी है नक्स वोमिका, यानी कि ये एक होम्योपैथी की रेमेडी है। इसे आप 30-40 में खरीद के लाना है और कब यूज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जिन लोगों को कब्जियत की शिकायतें, जो लोग मोशन करने जाते हैं तो उनको जब उनके मन में अर्जिंग बनती है कि मोशन लगेगा, यानी कि उनको स्टूल पास आउट करने जाना पड़ेगा, लेकिन जब वो जाके बैठते हैं तो उनको दोस्तों मोशन बिल्कुल भी नहीं लगता है या थोड़ी सी टट्टी उनको पास होती है, इस प्रकार के लक्षण होते हैं दोस्तों वो नक्स वोमिका के होते हैं। और उनको कई लोगों को दोस्तों बहुत हार्ड स्टूल होता है, यानी कि क्रोटी स्टूल, यानी कि गांठदार स्टूल भी आता है और बहुत हार्ड आता है, और उन लोगों को बहुत ज्यादा मल पास आउट करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और जो नक्स वोमिका का दोस्तों जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज्यादा अर्जिंग होगी, यानी कि एक बार मोशन पास आउट करने जाएगा और वहां जाके बैठेगा तो उसको लगेगा अब मोशन नहीं लगेगा, और मन में उसके बार बार ऐसी फीलिंग होगी, वापस आने पर उसके मन में ऐसी फीलिंग होगी कि दोबारा एक बार और मोशन करने जाऊं। दोस्तों, ऐसी कंडीशन ये एक नक्स वोमिका की होती है। अगर इस ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, या आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, रात को देर रात तक जगते हैं, या आप जागरण करते हैं, या बाजार से कोई भी आपने ऐसा फूड मंगा के ऐप के द्वारा मंगा लिया, खा लिया, आपका पेट खराब हो गया, तो इस सारी कंडीशन के अंदर दोस्तों आप नक्स वोमिका को 30-40 में लाके दो दो बूंद आप जीभ पे टपका सकते हैं। जब आपको आराम मिल जाता है तो इस मेडिसिन को आप बंद कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों, मेरी आपको लास्ट गुजारिश रहेगी, जो भी लोग अगर कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, किसी भी प्रॉब्लम से अगर परेशान हैं, तो आप नियरेस्ट अपने होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करें और आप अपनी हमेशा के लिए कब्ज को ठीक करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर ऐसी मेडिसिन आती है सारी बीमारी को रूट से क्योर करती है, यानी कि जड़ से ठीक करती है। तो गाइज, आप होम्योपैथी शॉप पे इस मेडिसिन को खरीद के लाएं और लगातार दिन में 3 बार जरूर यूज करें। दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप यूज करते हैं तो आपको कब्जियत में हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।